हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता शारदा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चमचम, जो कि हमने बाजार के मिक्स मिक्सर से बनाकर तैयार किए हैं और बहुत ही कम समय में बनकर ये तैयार हो सकते हैं। आप किसी भी त्यौहार पर बनाकर ये खा सकते हैं और अपने परिवार और मेहमानों को भी बनाकर खिला सकते हैं। आइए इस चमचम को बनाने की रेसिपी जान लेते हैं। हमने MTR गुलाब जामुन रेडी मिक्स का पैकेट लिया है, इस तरह से मिक्सर। इससे हमने पहले गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए थे, अब हम इससे इसे चमचम बनाकर तैयार कर रहे हैं। और हमने 4 छोटे इलायची लिए हैं और 10 हमने पिस्ता लिए हैं और 1 कटोरी हमने ये घर का खोया बना हुआ है। इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और 1.5 कप हमने चीनी ली है और हमने रिफाइंड लिया है। रिफाइंड या घी आप कुछ भी ले सकते हैं अपने गुलाब जामुन के तलने के लिए। आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं चमचम। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें अपना गुलाब जामुन रेडी मिक्स का पैकेट लेना है। इसमें सभी कुछ मिला मिलाया आता है, हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलाना पड़ता। और हमने थुनगुना पानी लिया है, हमें इससे इसको आटे की तरह गूंदना है। ये हमें हाथों से ही करना पड़ेगा। हमें एक मुलायम डो तैयार करना है। हमने गुनगुना पानी इसलिए लिया है कि हमारा डो मुलायम हो जाएगा और इससे हमारी चमचम बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे ढक्कन लगा के। इसमें हमारा डो रेस्ट कर रहा है, इसमें हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमें कोई भी पैन या फ्राई पैन रखना है गैस पर और अपनी चीनी इसमें डाल देंगे। जिस बर्तन से हमने चीनी नापी है 1.5 कप, उसी बर्तन से हम इसमें पानी डाल देंगे। 1.5 कप चीनी है तो 1.5 कप ही हमें पानी डालना है। हमें इसे चलाते हुए पिघलाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम इलायची को थोड़ा सा अपना कूट के इस तरह से डाल देंगे, इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आपके पास इलायची नहीं तो आप केसर भी डाल सकते हैं। हमें इसे कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी, हमें खाली चिपचिपापन होना चाहिए हमारी चाशनी में। ऐसे ही बनाना है अपने गुलाब जामुन के लिए, हमें तार नहीं चाहिए, हल्का सा चिपचिपापन ही होना चाहिए। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी कितनी साफ सुथरी चाशनी बनाकर तैयार हो गई है। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने डो की तरफ। हमें अपने डो को रखे हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। आइए अब बना शुरू करते हैं चमचम। हमें इस तरह से अपनी लोई लेनी है और टाइट हाथों से थोड़ा सा अपने डो को मुलायम करना है और बाद में हमें ढीला कर देना है इस तरह से। और इस तरह से अगर गुलाब जामुन बनाएंगे तो गोल बनाना है, हम चमचम बना रहे हैं इसलिए हमें इस तरह से लंबा शेप देना है अपने चमचम को। इस तरह से हम बनाएंगे अपने चमचम को। थोड़ा पहले टाइट से हमें करना है ताकि हमारा डो एकदम मुलायम हो जाए। और थोड़ा सा लंबा शेप दे देना है इस तरह से। हम अपने सभी चमचम को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस तरह से सभी चमचम बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारे एक पैकेट में 14 चमचम बनकर तैयार हुए हैं। हमने गैस पर अपना ऑयल रख दिया है गर्म करने के लिए। आप घी या तेल या रिफाइंड किसी में भी चल सकते हैं, लेकिन घी में चमचम बनाने से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। घी गर्म हो चुका है, हम इसमें अपने एक एक करके चमचम डालेंगे। हमें इसे मीडियम आंच पर फ्राई करना है।
हमें इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। देखिए हमारे चमचम इस तरह से बनकर तैयार हुए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। दूसरे बैच के चमचम बनाकर तैयार करेंगे। आंच को मीडियम कर देंगे। हमने जो अपने चमचम बनाए हैं इसे हम चाशनी में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे दूसरे बैच के चमचम बनकर भी तैयार हो गए हैं। अब हम इसे भी निकाल कर चाशनी में डाल देंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से रहने देंगे ताकि हमारे चमचम चाशनी को अच्छी तरह से पी लें और फूल जाएं। देखिए फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है, हमारे चमचम डबल हो गए हैं साइज से और फूल गए हैं अच्छी तरह से, इन्होंने चाशनी को पी लिया है। अब हमारे गुलाब जामुन चमचम बनने के लिए तैयार हैं। आइए खोए की तरफ चलते हैं। हमने खोए की भी इस तरह से अपनी चमचम का आकार देखकर लोई बनानी है। हमें इसमें अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसी तरह से खोया लिया है। इस तरह से चमचम का आकार देखकर हम इस तरह से इसे अपने इस तरह से रखते जाएंगे अपने चमचम में भरने के लिए। और हमने अपने ये पिस्ता काट लिए हैं इस तरह से, खोए की बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने इस तरह से अपने सभी खोए के चमचम के आकार के बनाकर तैयार कर लिए हैं मेरे। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमें इसमें से गुलाब जामुन लेना है, चाकू से हमें इस तरह से कट लगा देंगे। और अपने बॉल्स को खोए की इसमें भर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा चमचम कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और ऊपर से हम पिस्ता लगा देंगे। इस तरह से हम सभी चमचम को बनाकर तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे सभी चमचम बनकर तैयार हो गए हैं। हम इस पे थोड़ी सी चाशनी डाल देंगे ऊपर से। हमारे चमचम बिल्कुल तैयार हैं। आप भी इस तरह चमचम बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।